हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। आई एम ध्रुवी और आज हम देखेंगे 8051 इंटरप्ट्स के बारे में। तो अ सिंगल माइक्रो कंट्रोलर कैन सर्व सेवरल डिवाइसेस। वन ऑफ द वेज टू डू दैट इज इंटरप्ट्स। सो इंटरप्ट मेथड में होता क्या है, जब भी कोई डिवाइस को कोई सर्विस चाहिए रहेगी तो इट विल इंटरप्ट माइक्रो कंट्रोलर। तो वो माइक्रो कंट्रोलर को नोटिफाई करेगा कि आई नीड द सर्विस नाउ, तो वो एक सिग्नल सेंड करेगा जिसे हम कहते हैं इंटरप्ट सिग्नल। तो जैसे ही ये इंटरप्ट सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर को मिलती है तो माइक्रो कंट्रोलर विल स्टॉप वॉट एवर इट इज डूइंग एंड जो भी डिवाइस को सर्विस चाहिए रहेगा वो उसके ऊपर अभी देखना शुरू करेगा। सो अपॉन रिसीविंग एन इंटरप्ट सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट्स वॉट एवर इट इज डूइंग एंड इट विल सर्व द डिवाइस एंड द प्रोग्राम दैट इज एसोसिएटेड विद द इंटरप्ट इज कॉल्ड एज इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR और इंटरप्ट हैंडलर। तो एक्चुअली ये होता क्या है, सो इंटरप्ट सर्विस रूटीन और एज वी से ISR। सो फॉर एवरी इंटरप्ट, सो जितने भी टाइप के इंटरप्ट है सबके लिए एक ISR होता है, यानी कि दे हैव अ प्रोग्राम एसोसिएटेड विद इट। यानी कि ये इंटरप्ट आया तो ये प्रोग्राम रन होगा, ऐसा होता है। सो जब भी एक इंटरप्ट आता है तो वो माइक्रो कंट्रोलर वो ISR को रन करेगा, वो प्रोग्राम को रन करेगा। बट अब वो प्रोग्राम कहाँ स्टोर्ड है वो कैसे पता चलेगा, दैट विल बी थ्रू इंटरप्ट वेक्टर टेबल। तो इंटरप्ट वेक्टर टेबल में क्या होता है, एड्रेसेस स्टोर किए जाते हैं ISR के, यानी कि दिस इज द स्टार्ट एड्रेस ऑफ ISR। सो द ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन सेट असाइड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ ISR इज कॉल्ड एज इंटरप्ट वेक्टर टेबल। तो जैसे ही एक इंटरप्ट आया तो जैसे इंटरप्ट एनकाउंटर हुआ, इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल लुक ऑन टू कि ये इंटरप्ट का कौन सा मेमोरी लोकेशन में हमें ISR मिलेगा। तो वो मेमोरी लोकेशन जो स्टोर होगा वो होगा इंटरप्ट वेक्टर टेबल में, वो एड्रेस लेंगे एंड देन फिर वो एड्रेस पे जाके ISR रन होगा। लेट अस सी द टेबल फॉर द सेम। सो जैसे कि मैंने कहा था कि एड्रेसेस स्टोर्ड होता है, सो दिस इज द एड्रेसेस दैट हैज बीन गिवन टू अस। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स है। सो फॉर एवरी इंटरप्ट देर इज अ एड्रेस मेमोरी लोकेशन फिक्स्ड, कि अगर ये इंटरप्ट आया तो हमें ये मेमोरी लोकेशन पे जाना है एंड वो ISR रन करना है। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट आया, INT1 इंटरप्ट आया, तो इट विल गो टू मेमोरी लोकेशन 0013 पे फिर वो ISR प्रोग्राम होगा एंड वो फिर वो रन करेगा। सो दिस इज वॉट इंटरप्ट वेक्टर टेबल इज। सो वॉट आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो इन एक्सिक्यूटिंग एन इंटरप्ट। सो जैसे ही इंटरप्ट आता है तो माइक्रो कंट्रोलर ये फॉलोइंग स्टेप्स कैरी आउट करता है। द फर्स्ट इज इट फिनिशेस द इंस्ट्रक्शन इट इज एग्जीक्यूटिंग एंड सेव्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑन द स्टैक। तो जो भी वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है उसके बीच में आ गया, तो वॉट इट विल डू, जो एग्जीक्यूशन जो आधा कंप्लीट हुआ है वो इंस्ट्रक्शन का वो कंप्लीट कर लेगा। सो इट विल फिनिश दैट इंस्ट्रक्शन एंड देन इट विल सेव द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब मुझे चालू करना है तो कहाँ से शुरू करना है, तो वो एड्रेस को वो स्टैक पे स्टोर करेगा। इट ऑल्सो सेव्स द करंट स्टेटस ऑफ ऑल द इंटरप्ट्स इंटरनली, करंट स्टेटस का भी वो एक बैकअप रखता है। इट जंप्स टू अ फिक्स्ड लोकेशन इन मेमोरी कॉल्ड द इंटरप्ट वेक्टर टेबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द ISR। तो जैसे ही इंटरप्ट आया उसने वो इंटरप्ट के लिए जो अपना खुद का इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना था वो कंप्लीट किया, नेक्स्ट एड्रेस उसने स्टोर किया, करंट स्टेटस सबका उन्होंने बैकअप ले लिया, फिर इट विल मूव ऑन टू अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन जो हमने इंटरप्ट वेक्टर टेबल से निकाला हुआ है। माइक्रो कंट्रोलर गेट्स द एड्रेस ऑफ द ISR फ्रॉम वेक्टर टेबल एंड जंप्स टू इट। इट स्टार्ट्स टू एग्जीक्यूट द इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन अंटिल इट रीचेस द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द सब रूटीन विच इज RETI। तो जैसे ही इंटरप्ट वेक्टर टेबल से एड्रेस मिला इट विल जंप टू दैट एड्रेस लोकेशन, जो कुछ भी प्रोग्राम होगा ISR जो भी होगा इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन, सब रूटीन में जो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा वो सब कुछ रन करेगा, तब तक रन करेगा जब तक वो लास्ट इंस्ट्रक्शन तक नहीं आ जाता, जिससे हम बोलते हैं लास्ट इंस्ट्रक्शन इज RETI विच मीन्स रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट, यानी कि अभी इंटरप्ट से हमें वापस रिटर्न जाना है हमारे मेन प्रोग्राम की तरफ। अपॉन एग्जीक्यूटिंग द RETI इंस्ट्रक्शन द माइक्रो कंट्रोलर रिटर्न्स टू द प्लेस वेर इट वॉज इंटरप्टेड। तो जैसे ही RETI इंस्ट्रक्शन खत्म हुआ तो माइक्रो कंट्रोलर विल गो बैक टू इट्स मेन प्रोग्राम। फिर मेन प्रोग्राम में जाने के बाद इट विल टेक द एड्रेस दैट इट हैज स्टोर्ड ऑन टू द स्टैक कि हाँ यहां से अभी मुझे एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करना है एंड देन इट विल कंटिन्यू इट्स प्रोसेस। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट इंटरप्ट्स इन 8051? सो इन रियलिटी 5 इंटरप्ट्स होते हैं दैट इज अवेलेबल टू द यूजर, बट कभी कभी कुछ मैन्युफैक्चरर्स अपने डेटा शीट में 6 इंटरप्ट्स लिखते हैं बिकॉज दे ऑल्सो इंक्लूड रीसेट इनटू इट।
तो 6 इंटरप्ट्स हो गए अब हमारे. द फर्स्ट इज द रीसेट. व्हेन द रीसेट पिन इज एक्टिवेटेड 8051 जंप्स टू एड्रेस लोकेशन 0000. सो जैसे ही रीसेट पिन दबाया है माइक्रो कंट्रोलर का तो ये एक इंटरप्ट हुआ एंड इसके लिए लोकेशन 0000 तक जाना है हमें एंड देन इट विल रन द प्रोग्राम. टू इंटरप्ट्स आर सेट असाइड फॉर टाइमर्स. फिर टाइमर्स के लिए भी दो इंटरप्ट्स होते हैं विच आर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन 000BH एंड 001BH इन द इंटरप्ट वेक्टर टेबल दैट बिलोंग टू T0 एंड T1 रिस्पेक्टिवली. सो T0 का होगा तो ये एड्रेस लोकेशन एंड T1 का होगा तो ये एड्रेस लोकेशन. तो ये एड्रेस लोकेशन दीज आर स्टोर्ड इन इंटरप्ट वेक्टर टेबल इफ यू रिमेंबर. तो वो क्या करेगा, ये एड्रेस लोकेशन पे जाएगा एंड देन उसमें जो भी प्रोग्राम होगा वो रन होगा. टू इंटरप्ट्स आर सेट असाइड फॉर एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स. सो एक्सटर्नली अगर हमें कुछ हार्डवेयर हमने लगाया तो उसके इंटरप्ट्स. सो दीज आर पिन नंबर 12 एंड 13 इन पोर्ट 3. सो P3.2 एंड P3.3 दीज आर सेट असाइड फॉर एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स जिसे हम बोलते हैं INT0 पिन एंड INT1 पिन इफ यू रिमेंबर इन द पिन डिस्क्रिप्शन हमने ये देखा था कौन से पिन चाहिए. सो इसके जो मेमोरी लोकेशन है वो है 0003 एंड 0013H इन IBT एंड दीज आर असाइन टू INT0 एंड INT1. सो यहाँ पर अगर एक्सटर्नल इंटरप्ट अगर अकर हुआ से INT0 इंटरप्ट अकर हुआ तो इट विल गो टू इंटरप्ट वेक्टर टेबल. इट विल सी कि INT0 का पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन क्या है. तो इट विल चेक कि अच्छा 0003H है तो वो वहां जाएगा वो मेमोरी लोकेशन पे जो भी प्रोग्राम होगा वो रन करेगा एंड देन इट विल कम बैक टू द मेन प्रोग्राम. सीरियल कम्युनिकेशन हैज अ सिंगल इंटरप्ट दैट बिलोंग्स टू बोथ रिसीव एंड ट्रांसमिट. सीरियल कम्युनिकेशन के लिए भी है जिसका लोकेशन है 0023H. सो एज मेंशन्ड ये इंटरप्ट वेक्टर टेबल है. दीज आर द डिफरेंट 6 इंटरप्ट्स. रीसेट इंटरप्ट है INT0 है. फिर TF0 दैट इज टाइमर 0 के लिए है. INT1 है दिस इज टाइमर 1 इंटरप्ट एंड ये है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए. तो ये इनके रॉम लोकेशन है. दिस आर ऑल इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट. तो यहाँ पर क्या है बेसिकली द लोकेशन जहाँ पर वो जंप करेगा. ओके दीज आर द पिन्स. लाइक रीसेट पिन हमारे पास ऑलरेडी माइक्रो कंट्रोलर में है. फिर INT0 इज एट P3.2. P3.3 पे हमारे INT1 है. तो ये उनका पिन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. एंड फ्लैग क्लियरिंग यानी कि फ्लैग क्लियर वो अपने आप हो रहे ऑटो हो रहे या फिर प्रोग्रामर को करना पड़ रहा है. तो ये 5 के लिए तो इट गेट्स ऑटो क्लियर्ड बट वी हैव स्टडीड RITI हम खुद करते राइट. इफ यू रिमेंबर हमने लिखे हुए क्लियर एंड सेट B ऐसे इंस्ट्रक्शंस. सो यहाँ पर प्रोग्रामर नीड्स टू क्लियर RITI फ्लैग.